हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेंट के स्टडी पॉइंट। आज हम जिस भर्ती जिस रिक्रूटमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं वो निकली है एसएससी। एसएससी में निकली है पोस्टें, सीएचएसएल में पोस्टें निकली है। इसमें जो इसमें जो क्वालिफिकेशन होगी 10+2 होगी। इसमें जो क्वालिफिकेशन 10+2 एज जो होगी 18 से लेकर 27 साल तक। हम पूरा डिस्कशन करते हैं, पूरी नोटिफिकेशन पे देखते हैं कि क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया है, कितनी है, कब से स्टार्ट, इसके पूरी डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो को अपडेट मिले, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, ताकि हम जब भी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसके लिए आपको तुरंत सूचना मिल जाए। चलो, अब ज़्यादा विलंब न करते हुए हम चलते हैं आज की नोटिफिकेशन पे, देखते हैं कितनी क्वालिफिकेशन है, क्या डिस्कशन करते हैं आगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं हम नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। ये कंबाइंड हेड्स कंट्री लेवल जो है 10+2 के ऊपर ये पोस्टें हैं। इसमें जो डेट सबमिशन ऑनलाइन जो है 5/3/2019 से इसकी स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट इसकी जो है 5/4/2019 को है। इसकी जल नीचे दी है लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फॉर फीस मोड। इसकी जो ऑनलाइन फीस मोड है वो 7/4 तक है। फिर लास्ट डेट जनरेट ऑफलाइन 7/4 इसका भी है ऑफलाइन। आप ऑनलाइन भी इसकी फीस जमा कर सकते हैं और ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो डेट दी है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, टायर फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, वो होगा 1/7/2019 और 26/7/2019 तक होगा। फिर नीचे दिया है डेट ऑफ टायर सेकंड, इसके दो टायर होंगे। एग्ज़ामिनेशन डिस्क्रिप्शन इसमें होगा 29/9/2019 को होगा, जो इसमें सेकंड टायर होगा। फिर नीचे ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पोस्टें हैं लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्टें हैं, इसमें हैं लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्टें हैं। फिर पोस्टल असिस्टेंट की पोस्टें हैं, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की ये जो पोस्टें हैं ये हैं इसमें जो। फिर नीचे आगे वैकेंसी इसमें शो नहीं किए हैं, ये अपडेट होते रहेंगे। फिर रिजर्वेशन कैटेगरी, दोस्तों ये देख सकते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी, जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो एससी एसटी ओबीसी ईएस मतलब एक्स सर्विसमैन पर्सन विद डिसेबिलिटी फिजिकल हैंडीकेप, और साथ में ये दिया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो अभी नहीं है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू की है स्कीम, उसके तहत भी इसमें ये जनरल कैटेगरी के लिए बेनिफिट मिल सकता है। ये नीचे देख सकते हैं। फिर आ गया फिजिकल हैंडीकेप के नीचे, इसमें अलग अलग कैटेगरी। दोस्तों, ये नीचे देख सकते हैं जो फिजिकल हैंडीकेप में कौन कौन सी कैटेगरी चल सकती है। ये देख सकते हैं ब्लाइंड एंड लो विजन, जो ब्लाइंड एंड लो विजन जो कम देख सकते हैं, डफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, फिर लोकोमोटर और डिसेबिलिटी इंक्लूड सेरेब्रल, और ये देख सकते हैं लेप्रेसन। फिर ये अब फिर दोस्तों ये देख सकते हैं एज लिमिट होगी 18 से 27 साल तक होगी। इसमें जो 18 से 27 साल तक होगी। फिर नीचे आ गया जो इस कैटेगरी एससी एसटी 5 साल के लिए है, ओबीसी 3 साल के लिए है, पीडब्ल्यूडी इसमें है 10 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में है 13 साल के लिए, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 15 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन ईएसएम में 3 साल है। इसमें नीचे आ सकते हैं कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 जनवरी 1980 और 31 दिसंबर 1999 तक जो होगा उनके लिए 5 साल के लिए है। फिर पर्सनल डिसेबिलिटी ऑप्शन 3 ईयर के लिए है। डिफेंस पर्सनल डिसेबिलिटी इज ऑपरेशन ड्यूरिंग द होस्टेबिलिटी 8 साल के लिए है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज जो है उनके लिए 40 साल के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज हु हैव रेंडर नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर कंटिन्यू सर्विस एज ए क्लोज डेट ऑफ रिसेप्शन ऑनलाइन फॉर्म, उनके लिए 45 साल है। जो भी कोई भी विधवा वुमेन होगी उनके लिए 35 साल तक रखेंगे, जो सेपरेट हु एंड हु आर नॉट रीमेरिड ये हैं इनके 35 साल हैं। फिर आ गया डिवोर्स्ड वुमेन एस सी एस टी के लिए 40 साल के लिए हैं। फिर है सर्विस क्लर्क इन लास्ट ईयर ऑफ देयर क्लर्क सर्विस एयर फोर्स, उनके लिए आर्मी फोर्स में जो होगा उनके लिए 45 साल तक होगी। फिर आर्मी फोर्स एस सी एस टी के लिए 50 साल के लिए होंगे। फिर ये नीचे देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं इसकी जो फीस जनरल कैटेगरी के लिए होगी वो 100 रुपया होगा। फिर वुमेन
एससी एसटी के लिए कुछ नहीं होगा। इसके जो नीचे आ गए दोस्तों, फिर ये नीचे देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन। अब सेंटर जो एग्ज़ामिनेशन जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का देख सकते हैं कहाँ कहाँ सेंटर है। ये देख सकते हो पूरा इन्होंने सेंटर के भी दिए हुए हैं। आपको जहाँ आपको नज़दीक पड़ता है वहाँ आप उधर के लिए सेंटर रख सकते हैं। ये पूरे देख सकते हैं पूरे रीजन के जो सेंटर है दिए हैं, इसमें आप रख सकते हैं। फिर नीचे आ गए ये दोस्तों देख सकते हैं सिलेबस। ये देख सकते हैं सिलेबस इंग्लिश वही 50 नंबर का होगा। ये नीचे देख सकते हैं टोटल इसमें 25-25 नंबर के क्वेश्चन होंगे, दो दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा 50 नंबर का। इसमें जो टाइमिंग दी हुई है 60 मिनट 80 मिनट फॉर कैंडिडेट ऑफ एलिजिबल, जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए कुछ कैंडिडेट के लिए 80 मिनट दिए गए हैं। ये नीचे देख सकते हैं ये जो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.50 मार्क ईच रॉन्ग आंसर। मतलब दोस्तों ये देख सकते हैं नीचे सिलेबस भी दिया गया है, इसमें पूरा सिलेबस दे दिया है। और साथ में दोस्तों अगर आप ये नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी होगी, आप उधर से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट इसमें लावा डिविजनल क्लर्क के लिए इसमें जो टाइपिंग टेस्ट भी रखे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हों उनको 35 वर्ड पर मिनट, और जो इंग्लिश मीडियम के हैं जो हिंदी मीडियम के उनके 30 मोड है। ये नीचे देख सकते हैं